हेलो फ्रेंड्स, मैं नाजिर। आप देखेंगे इस वीडियो में झारखंड के एक पर्व सोहराय के बारे में। और उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। झारखंड में सोहराय पर्व आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों ही मनाते हैं अलग अलग नामों से। कार्तिक मास के अमावस्या में, जब पूरे भारतवर्ष में दिवाली और काली पूजा मनाई जाती है, उस समय इन दोनों त्योहारों के साथ साथ झारखंड में सोहराय पर्व भी मनाया जाता है। कार्तिक मास के अमावस्या के दिन से शुरू होकर ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह विशेषकर मवेशियों की पूजा का त्यौहार है। कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में दिवाली की तरह मनाया जाता है। घर के कृषि पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर गौशाले का श्रृंगार कर उसे गौशाले में प्रवेश कराया जाता है। पूर्व रात्रि में पशुओं के सींगों में तेल घी सिंदूर लगाया जाता है। इसी रात काली मुर्गी या सुअर की बलि दी जाती है। दूसरे दिन गौशाले में प्रवेश कराने के बाद पशुओं का श्रृंगार किया जाता है। गौशाले में पिंड बनाकर गौरिया पूजा के लिए महुए के डाल का प्रतीक बनाकर रंगवा मुर्गा यानी बोलने वाला मुर्गा की बलि देकर हड़िया का तपान दिया जाता है। जानवरों को पखवा खिलाया जाता है। पखवा 7 प्रकार के अनाजों को मिलाकर एक खाद्य प्रकार बनाया जाता है। घर परिवार के लोग भी इसी पखवा को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। एक दोना हड़िया तपान भी देते हैं। इस दिन चावल के आटे का दिया बनाकर उड़द की पीठी भर पीठा बनाया जाता है। दोपहर में गाजे बाजे के साथ जानवरों को सड़क पर दौड़ा कर अखरा या ग्राम सीमा पर डायर मेला भी लगाया जाता है। मनोरंजन का साधन है सब। गांव का सांस्कृतिक कार्यक्रम है।